नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कटरा कुटी धाम के महंत चिन्मयानंद दास के नेतृत्व में पत्रकारों के सम्मान में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका विषय था स्वतंत्र पत्रकारिता राष्ट्र की सर्वोपरि शक्ति है। इसके मुख्य अतिथि मनोज पांडे, ब्लॉक प्रमुख तरबगंज, अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी विपिनेश पांडे, नवाबगंज के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह, कटरा कुटी धाम से जुड़े एवं प्रमुख समाज सेवी सूर्यभान सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना नवाबगंज के समाज सेवी पंकज तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना हिंदू वाहिनी के युवा नेता गोपाल सिंह, कटरा कुटी धाम के वरिष्ठ मीडिया प्रभारी एवं प्रबंधक डॉक्टर अरुण सिंह आदि रहे। गोष्ठी को तमाम पत्रकारों ने संबोधित किया और निष्पक्ष पत्रकारिता को महत्व देते हुए अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र कुमार पांडे रवि ने किया। अंत में कार्यक्रम के महंत चिन्मयानंद दास एवं ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे, रितेश पांडे, विपिनेश पांडे एवं सरवन सिंह के सूर्यभान सिंह के द्वारा सभी पत्रकारों को शॉल एवं पेन डायरी देकर समाज के प्रहारियों का सम्मान किया। ऐसी बात हमें लिख दी जो किसी गुंडे के, किसी माफिया के खिलाफ हो गया तब क्या होगा, कहीं कोई समझ लिख गया किसी करोड़पति, किसी बिजनेसमैन के खिलाफ हमने कुछ लिख दिया तब क्या होगा, कौन साथी बनेगा, कौन सहारा बनेगा। कभी कभी हमारे पत्रकार बंधुओं के मन में ये बात आती होगी, लेकिन मेरी तो योजना ये कह रही है, मेरे मन में ये बात पत्रकारों के लिए आ रही है कि अगर पत्रकार हमारा लिखता है, अभी बात आई पक्ष और निष्पक्ष की, निष्पक्ष माने सत्य के साथ, एक पक्ष है, निष्पक्ष माने केवल सत्य के साथ। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हम निष्पक्ष हैं, अगर हम सत्य के साथ नहीं हैं तो हम पक्षपाती हैं। इसलिए हमारी लेखनी हो, वो प्रवाह हो, ताकत हो, और ये सीधे सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये जन्म में अब जैसे कुछ कर नहीं पाया था तो भगवान ने मौका दिया, ऐसा नहीं है। आप कई जन्म से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं, सरस्वती की कृपा इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। भाई सूर्यभान जी बैठे इनसे कह दे क्या ये जरा सा 20 मिनट को समझाई बुझाइए, ये सीधे कहेंगे महाराज 1,000, 2,000, 10,000, 5,000, 10 लाख ले लीजिए, लेकिन ये मौका मुझे मत दीजिए कि हम पत्रकारों को कुछ समझा पाए, अभी तो खुद हम समझने आए हैं। तो ये कृपा आपके ऊपर है, ये एक जन्म की तपस्या आपकी नहीं है, ये कई जन्म की तपस्या है। आप जिसे चाहे पराभूत कर दे और जिसे चाहे अभिभूत कर दे। आज ये सज्जन, ये दोनों ताकत हमारे पत्रकार को भगवान ने दिया है और सरस्वती की इस असीम कृपा को अपने ऊपर कई जन्म की तपस्या का वरदान समझिए, और आपकी क्रांतिकारी लेखनी निश्चित रूप से कटरा कुटी धाम के लिए वरदान बन सकती। मुझे आश्चर्य हुआ, हमने लल्लू सिंह सांसद से पूछा कि मानो ये बताइए कटरा कुटी धाम को आपने पड़ाव में क्यों नहीं लिया, प्रशासन को क्यों नहीं लिखे कि कटरा कुटी धाम भी पड़ाव है, सैकड़ों वर्ष की परिक्रमा यहाँ आती है और आपने कभी इसमें विचार नहीं किया। कहा गुरु जी परिक्रमा मखौड़ा से शुरू होती, मखौड़ा में समाप्त हो जाती है। हमने कहा मानो झंडी आप अयोध्या नए घाट से दिखाएंगे सर जी मूल से, कि अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा प्रस्थान कर रही है, आप नए झंडी दिखा के प्रस्थान करते हैं परिक्रमा, और परिक्रमा शुरू होती मखौड़ा से और समापन भी होता है अयोध्या जी में, और आप बताते हैं मखौड़ा में ही समाप्त हो जाती है, ये ठीक नहीं है। इस पर विचार कीजिए, कटरा कुटी धाम पड़ाव है, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में संत यहाँ वर्षानुवर्ष आते रहते हैं। कभी जब कोई संत कहता है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं, हम तो कहते हैं भोजन हम दे सकते हैं, जलपान हम दे सकते हैं, सम्मान हम दे सकते हैं, दक्षिणा हम दे सकते हैं, लेकिन आपको रुकने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुबह आप उठते ही आते ही कहेंगे कि गुरु जी हम कहाँ रुके, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, संत निवास कोई नहीं है, कहीं कोई रैन बसेरा नहीं है, कहीं कोई भोजनालय नहीं है, कहीं कोई प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, हम कतई आपको नहीं रोकने के लिए। चूंकि तब और अब में अंतर हो गया, तब पत्रकारिता एक मिशन था, एक सेवा का भावना था। समय के साथ साथ बाजारवाद छा गया, व्यावसायिकता छा गई, वो अखबार जब किसी अच्छे विचारक के द्वारा, किसी अच्छे पत्रकार के द्वारा एक मिशन के रूप में स्थापित किया गया था, उसको आज के लोगों ने, आज के मालिकानों ने प्रोफेशनल बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। प्रोफेशनल और प्रोडक्ट बना देने से अखबार की स्थिति कुछ डगमगाई, और उससे ज्यादा तब डगमगा गई जब अखबार के साथ साथ पत्रकार भी अपनी स्वार्थपरता पर उतर आए, निजी स्वार्थों को पूर्ण करने में वो पत्रकारिता से ज्यादा संलग्न हो गया, ये भी कुछ समस्याएं पैदा कर रही है। अभी भाई पूजनीय संत आदरणीय
शास्त्री जी हैं वीरेंद्र शास्त्री जी, उनकी खबर मैं बराबर देख रहा हूं, और जिस तरीके से पत्रकार भाइयों ने बाबा बागेश्वर धाम की इस खबर को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, हालांकि वहां के स्वामी जी ने कुछ काम भी ऐसा ही किया है, और उस विषय को आप लोगों ने देश विदेश और मंचों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे एक बार फिर से भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, हर एक व्यक्ति के अंदर की जो भावना है वो एक बार पुनः जागृत होने लगी है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो आपका मीडिया भाइयों को जाता है, तब किसी समाज को जाता है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कहने का विषय है कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी कोई कमी बता रहा है, कोई बेसी बता रहा है, कोई कमी, हम लोग जब किसी भी पत्रकारिता दिवस में जाते थे या प्रेस वार्ता में जाते थे, तो वहां पे हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर के उस चीज को कवर करते थे, लिखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है? ऐसी तमाम समस्याएं हैं, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि स्वतंत्रता जो है मानव जीवन में सबसे बड़ी अमूल्य निधि है, और इसके अभाव में अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम अपनी बात को नहीं कर सकते, अपने समाज की बात को नहीं कह सकते, सरकार की अच्छाइयों बुराइयों नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम किसी भी बात करते हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो, उसके लिए स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। जबकि आप देखते होंगे कभी कभी हम बहुत से ऐसे राइटर देखे हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। अगर उनके पास स्वतंत्रता छीन ली जाए, उन पर कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो क्या वो अपनी बात रख सकते? ए सोनी, स्वतंत्रता तो है नए नए मुख्य सोचों का मुख्य स्रोत है, नए नए जो है दिमाग में से तमाम चीजें आती हैं, जो मन में होता है उसको लिखते भी है, तमाम उस तरह से विचार को रखते हैं। विचारों को रखने के लिए हमको स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और अपने विचारों को रखने के लिए मुझे पूरी तरह से कहीं भी जिस बेबाकी के साथ पत्रकार अपनी विचार को रखता है उसमें स्वतंत्रता मस्त है। स्वतंत्रता ये कहती है नए नए खोजों निकले या त्रिमासिक पत्रिका निकले, इस तरह से कोई एक पत्रिका निकलनी शुरू हो जाए जिससे सनातन धर्म का जागरण, देश के समस्याओं को उसके माध्यम से उठाया जा सके, संतों के माध्यम से उठाया जा सके। गुरु जी से निवेदन किए हैं, तो गुरु जी निवेदन स्वीकार करके जल्दी जी इसकी व्यवस्था कराइए, हम लोग पूरा प्रयोग करेंगे हर तरीके से आपके साथ। आदेश मिला हुआ है, उसको लेकर के विधायक जी के पास जाएंगे और प्रयास करेंगे कि केवल अकेले तरफगंज विधायक जी ही नहीं, बल्कि हमारे जनपद के सातों विधायकों को प्रयास करूंगा कि इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस समस्या को रखेंगे। आशा करता हूँ बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से हमारे जनपद के सभी विधायक इकट्ठा होकर के इस समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करें। आंख बंद करके किन्हीं का नाम लेना चाहे, किसका नाम लेना चाहेंगे, तो वो पत्रकार बंधुओं का नाम सर्वोपरि आता है, और पत्रकार समाज को दशा दिशा दिखाता है। सारे चाहे आपकी सरकारें हो चाहे वो शासन हो, शासन से हर व्यक्ति लाभ चाहता है, लेकिन पत्रकार ही है कि जो सरकार को भी आईना दिखाने का काम करता है। सरकार समाज में अच्छे अच्छे पूंजीपतियों को आईना दिखाने का काम करता है, तो ये पत्रकार ही है
जो समाज का दर्पण है, जो समाज को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका है, वह स्थान पत्रकार का है। पत्रकार ही पक्ष और विपक्ष को दोनों की आलोचना करने की सामर्थ्य रखता है। बाकी तो ऐसा समय है कि सब अपने हिसाब से सेटलमेंट करके रखते हैं, लेकिन पत्रकार शब्द से अक्षर से शब्द और शब्दों को जब आकार देता है तो पत्रकार कहलाता है। श्रीमान, आपके कुशल प्रयासों से कटरा कुटी धाम की दिव्यता भव्यता निरंतर बढ़ती जाए, इसी अपेक्षा के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। कभी कभी मैं जब यह विचार करता हूं कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा क्यों जाता है, और सबको सोचना चाहिए कि आखिर क्यों इनको चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इस पर विचार करने के पूर्व हम दसवीं और नौवीं शताब्दी में एक बार जाएं, जब हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हुआ था और तब भारत की सीमा पाकिस्तान से आगे ईरान तक थी। हिमालय की तरफ अगर जाएं तो तिब्बत भारत में था। आप कल्पना कीजिए कि अगर ईरान में, जो भारत की सीमा हुआ करती थी, कोई आक्रमण होता रहा होगा तो मुझे लगता है कि उसकी सूचना उत्तर प्रदेश में पहुंचने में 3-4 महीने लग जाते रहे होंगे। कल्पना कीजिए, एक गोली सीमा पे चलती है तो तुरंत उसकी सूचना पूरे देश में पहुंचती है और देश का बच्चे बच्चे का खून खौल उठता है और देश की सुरक्षा कैसे हो इसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। अगर ये पत्रकार उस समय होते, सूचनाओं के प्रसार की व्यवस्था उस समय होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि विश्व में कोई ऐसी शक्ति थी जो भारतवर्ष को गुलाम बना सकती, क्योंकि परिस्थिति विपरीत थी। भारतवर्ष खंडों खंडों में बटा हुआ था। इस दशा में जो आक्रांताओं का सबसे बड़ा हथियार था वो था कि हमारे देश में सूचनाओं के प्रसार का कोई माध्यम नहीं था। जो यहाँ स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर एक आयोजन किया गया है, जहाँ पे मीडिया बंधुओं का सम्मान किया गया, और हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि विधायक प्रेम नारायण मिश्रा जी के, पांडे जी के लड़के पुत्र हैं, जो मनोज पांडे जी हैं और ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ आज आप कटरा कुटी धाम में आए हैं, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत दिनों से यहाँ आता हूँ और आदरणीय गुरु जी राष्ट्र के समस्याओं को लगातार उठाते हैं और उस समस्याओं का कैसे निराकरण हो इस पर लगातार चिंता करते हैं। आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में मैं जब से गुरु जी को जानता हूँ, लगातार समाज को संगठित करने में, समाज को मजबूत करने में जो कदम आदरणीय गुरु जी के द्वारा उठाया गया है या जो अभियान गुरु जी के द्वारा चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। सर, एक चीज़ बात है, 84% का समय चर्चा हो रही है, उसको क्या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जल हरियाणा आती है। इसमें एक चिट्ठी माननीय विधायक जी द्वारा पूर्व में जब हम आए थे तो गुरु जी से चर्चा हुई, तो पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद जो है दूसरी विधानसभा में कोई दूसरा विधायक नहीं ले सकता, लेकिन बाद में माननीय विधायक जी द्वारा चिट्ठी शासन को लिखी गई थी तो बहुत जल्दी आदरणीय गुरु जी का निर्देश भी प्राप्त हुआ है और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जनपद के 7 विधायकों से मिलूँगा कि सभी लोग इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और इस क्षेत्र की, इस जगह की महत्ता के बारे में बताएं। और मुझे विश्वास है हनुमान जी की कृपा से, आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी शासन द्वारा इसके विकास के लिए कदम उठाएंगे। सर, इसलिए आपने कहा पत्रकार समाज का आईना होता है जी, और पत्रकार जो है जिस तरह से अपनी मैं ये मानता हूँ
कि सबकी आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, और अगर आदमी कहीं पक्ष या निष्पक्ष वाली बात आती है तो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण आदमी कहीं ना कहीं हिल या टिक सकता है उसकी आर्थिक ज़रूरत है। ऐसे महत्वपूर्ण पद पे चाहे पत्रकार हों या न्यायाधीश हों, जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण पद पे हैं या इस तरह के समाज की जिम्मेदारी जिनके कंधे पे है, कम से कम उनको किसी भी क्षेत्र में वो कमज़ोर ना हो, जिससे उनका जो कह सकते हैं कि ईमान है या जो उनका उनकी निष्पक्षता है कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके आर्थिक ज़रूरतों के बारे में सोचें, कोई ऐसा कदम उठाएं कि कम से कम ये आर्थिक रूप से मजबूत हो और इनका जो इनके पीछे जो उनका परिवार है उसका भरण पोषण बढ़िया हो। सर कौन से पत्रकार मानता प्राप्त है गैर मानता प्राप्त? बहुत दो विषय पर मानता प्राप्त गैर मानता प्राप्त। मानता प्राप्त बोलते ही क्या करते हो वाला की बात है, गैर मानता प्राप्त है वही मेहनत करते हैं वही संघर्ष करते हैं। सभी पत्रकार देखिए सभी पत्रकार जो पत्रकार जिस भी जगह पे है, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठा रहा है, जो हमारे क्षेत्रीय पत्रकार हैं क्योंकि क्षेत्र से ही परिवार से क्षेत्र और क्षेत्र से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, तो सभी महत्वपूर्ण है, किसी का भी महत्व किसी दशा में कम नहीं है। हमारे प्रमोद जी अजय मनोज पांडे बताया और हमारे कटराकुटी धाम महाराज जी हैं। सबसे पहले यहाँ विघ्नेश पांडे जी जो समाज सेवी हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर आज आप कटराकुटी धाम के लिए आप योगदान कर रहे हैं क्या कहने जाते हैं उस संध्या पर जहाँ पे सम्मानित किया गया पत्रकारों को, क्या बोलना चाहेंगे? आज इस सनातन संस्कृत की कुटी कटराकुटी धाम पर जो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित की गई है पत्रकार सम्मान समारोह आदरणीय श्री गुरु जी द्वारा, पत्रकारों के सम्मान और उनकी पक्ष निष्पक्ष लेखनी द्वारा जो भी निर्णायक भूमिका रहती है इसके लिए बहुत ही आशीर्वाद गुरु जी का मिला, और सभी अपनी लेखनी से निष्पक्ष रूप से लिखें जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए। तो जब सब बोले हिंदू युवा वाहिनी का गोपाल सिंह जी बोले जो एक तेज तर्रार हैं, मैं चाहना चाहता हूँ कि सर आज पत्रकारों पर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा समाज दर्पण है पत्रकार, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार समाज के लिए आईने के काम करते हैं और पत्रकार हमारे समाज में बहुत ही आवश्यक हैं, और ज़रूरत यह भी है कि आप सब निष्पक्षपूर्वक जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना करके और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हैं, उसमें अभी हमारे उत्तरगंज के ब्लॉक प्रमुख माननीय मनोज कुमार पांडे जी ने हर दृष्टि से आपको सहयोग करने के लिए कहा है, चाहे वो अर्थ की व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए आप सबके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम कटराकुटी धाम के महाराज जी से जानना चाहता हूँ, चूँकि तमाम समस्याओं के होती उस पर जो करते ही हैं सभी को सम्मानित करते हैं, चाहे वो पत्रकार हो या शिक्षक हो, हर विभाग सेना हो, हर जगह समाज करते हैं, महाराज जी आज पत्रकारों सम्मान किया आपने, कैसा लगा? मैं चाहता हूँ यही नहीं सम्मान हो, पत्रकारों का सम्मान एक जन क्रांति बने, क्योंकि पत्रकार अगर सम्मानित नहीं होगा कि मायूस होगा, हताश होगा, हतोत्साहित होगा, उदास होगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र प्रगति नहीं कर पाएगा। राष्ट्र को प्रगति के पथ पर करने के लिए और जो सोच है राष्ट्र की, क्योंकि अपनी संस्कृति अपना यह राष्ट्र दुनिया का सबसे सुंदर राष्ट्र बने, उसके लिए पत्रकारों की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन किसी कारण से आर्थिक अभाव के कारण या उन्हें अस्पष्टवाचिता के कारण कोई दिक्कत आ जाए उसके सामने, पत्रकार बहुत सोचता है और जो वास्तव में वो चाहता है उसके हृदय में जो बात है वो नहीं कर पाता है। तो कटराकुटी धाम ने प्रयास किया है, आप स्पष्ट बनना सीखो, विश्वास करो रास्ते में चाहे जितनी कठिनाई आएगी हर कठिनाई से निपटने की क्षमता कटराकुटी धाम आपको देगी, निश्चित रूप से जितना हमसे हो सकेगा। अभी हमने घोषणा भी किया है कि अगर अपने क्षेत्रीय पत्रकार कोई कहीं से भी घायल होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कहीं कोई अंग भंग हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो त्वरित 24 घंटे के अंदर कटराकुटी धाम उस पत्रकार को 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कटराकुटी धाम की ओर से निश्चित रूप से मुहैया।
कराएगा। ऐसी स्थिति ऐसी सोच ऐसी योजना बन चुकी है और भगवान ने कहा भगवान न करें कि कोई ऐसी स्थिति आए, लेकिन आप निडर होकर निष्पक्ष होकर आगे बढ़े और ज़बरदस्त काम करें। बाकी और जो पत्रकारों की कल्याण की योजना है सरकार जो करेगी करेगी ही, लेकिन कटराकुटी धाम प्रबंध समिति भी अपनी ओर से समाज से सहयोग लेके कटराकुटी धाम की ओर से आपकी सेवा के लिए सहायता के लिए सबक देंगे। आगे मुख्यमंत्री बात आई तो अभी हमने महाराज से बात किया, कटराकुटी धाम महाराज जी ने किस तरह से पत्रकारों को सम्मानित किया, गोपाल पांडे जी ने कहा, मनोज पांडे जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है पत्रकारों के सम्मान के लिए, आज लोग आगे आ रहे हैं। धन्यवाद, मैं अयोध्या भैया सर, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।